हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद अभी। गाइस आज आप जा रहे हैं मुंबई, तो अपनी आज रात की फ्लाइट आ 2:20 से हूँ 5:30 हो गए। आप अपने ब्रदर के नाल जा रहे हैं, तो इस टाइम आप बैठे हैं गड्डी दे विच, ते आप अपनी गड्डी पार्किंग दे विच खड़ी कर जानी है, तो उस तो बाद फिर सीधा बोर्डिंग पास वगैरह लैके दे विच तुहानू सारा अज एयरपोर्ट भी दिखावांगे अमृतसर का। तो अगे पहला रास्ते च रुक के कुछ खावा पीवांगे, तो उस तो बाद फिर जावे एयरपोर्ट। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सीधा चलते हैं कुछ खा पी के सीधा एयरपोर्ट। फिर सो गाइस हम आप ब्यास नहर पहुँच गए। देखो नहर भी देख लो, तुम पानी घट ही नहर के बहुत हजे अगे कैमरा भी लगा है ओवर स्पीड वाला, चेकिंग भी चलती पी है। हाँ जी आप नहर पार कर ली है ब्यास वाली। गाइस आप हुण मैकडोनल रोक गए हैं रास्ते विच, ते खा पी के ते चलते हैं अगे एयर। चलो गाइस अपना ऑर्डर आ गया, बर्गर आ गया, आलू टिक्की बर्गर फ्राइज आ गए ने, ते अपना रैप आ गया, कोल्ड ड्रिंक। तो हुण आपां मैकडोनल तो निकल आए बाहर, ते आप अपने कोक दे फ्राइज चक ले आ, ते हुण गड्डी 'च जांदे आ ते खावांगे, क्योंकि 9:20 की फ्लाइट है, तो लगता साड़ी फ्लाइट ना मिस हो जाए, लेट पहले ही हो गए काफ़ी। टाइम भी कितना हो गया, 7:00 तो हुण चलते हैं गड्डी दे विच, हुण निकलते फटाफट, फिर बैठ के गड्डी स्टार्ट कर ली है, तो निकलीए जिन्नी जल्दी हो सके एयरपोर्ट पहुँचीए, गड्डी पार करके फिर आप चलते हैं अंदर। ओके आप निकल गया मैकडोनल, तो फिर हुण देखो रोड से जा रहे थे, देखो साडा जहाज स्टारबक्स, देखो गाइस एक जहाज साडा इत्थे खड़ा आ, हेलो देखो इंडिया का, ये भी रेस्टोरेंट बन गया जहाज विच, बहुत चलते इत्थे भी आप आवांगे, स्पीड फड़ लिया गड्डी ने, चलते हैं। गाइस आप अमृतसर पहुँच गए हैं, तो आगे आ गया अमृतसर का गेट, जो मेन गोल्डन गेट आ गया। तो इस तो बाद हम आप इधर अपने एयरपोर्ट वाले रास्ते से ही हैं, हाईवे से, तो फ्लाईओवर चढ़े हुए आप, इधर देखो गेट है, तो आप हम जा रहे सीधा एयरपोर्ट नहीं। तो गाइस आप एयरपोर्ट वाले रोड से पै गए हैं, तो लगता आप लेट हो गए हैं, 8:00 तक लास्ट एंट्री है, तो 7:30 हो गया, सानू इतों भी अजे 15-20 मिनट लग जाने, तो इस करके देखो गड्डी की स्पीड भी आप फड़ ली, तो ट्रैफिक बहुत मिले रास्ते में, इस करके आप टाइम लग गया, बाकी हम देखते कोशिश करते हैं पूरी कि टाइम सिर पहुंची आप, जहाज के नज़ारे लीए, क्योंकि फस्ट टाइम एयरपोर्ट जा रहे, तो फस्ट टाइम फ्लाइट आ, तो इस करके आप जिन्ना भी अपना इंजॉय है सारा स्पॉइल नहीं करना चाहते, कि टाइम सिर पहले पहुंचिए, तो गड्डी पार करनी आ। चलो बाकी देखते हैं जो रब न मंजूर होया। सो गाइस हुण तुसीं ड्राइव दा नज़ारे लो, पहलो गड्डी दे नज़ारे लो। चलते फिर लो जी गाइस आप पहुँच गए फाइनली एयरपोर्ट, ये देखो जल्दी जल्दी दे विच पहुँच ही गए, हुण फटाफट पहलो आप लैने बोर्डिंग पास, से तां दिखाउंदे आ एयरपोर्ट अंदर सारा, देखो ते अपने लगज वगैरह भी आ गए नाल ही, बैग जा रहे आप, देखो एयरपोर्ट तो फर्स्ट टाइम आ, फर्स्ट टाइम अमृतसर एयरपोर्ट आप आए हैं, एयरपोर्ट के नज़ारे 24 घंटे दिन वांग ही रहिंदे इधर।
ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਆ 10:15 ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਬੰਬੇ ਦੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਈਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਉਹਦੇ 10:20 ਉਹ 10:20 ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਓਪਨ ਕਾਊਂਟਰ 12:15 ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਾਈਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਹ ਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਚੱਲੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫੜਿਓ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਬੈਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਥੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਲਾ ਤਾ ਬੈਗ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਲਵਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬੈਗੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਗੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਲਗੇਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ 4 ਨੰਬਰ ਗਏ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਟਿਕਟ ਨੈਕਸਟ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲੇ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਬੈਗ 'ਚ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬੈਲਟ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਲਓ ਜੀ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਹੁਣ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੌਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲਓ ਜੀ ਆ ਦੇ ਵੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਗਾਈਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ
ये सारा देखो पूरा बहुत ही खूब वड्डा ये सारा पूरा वेटिंग एरिया उधर है ना उस साइड अपनी एंट्री वाला साढ़े एक पौना घंटा पिया है बोर्डिंग लाइन के हाँ अपनी इतो एंट्री होएगी हूँ आप चलो उधर अगे दे दें चेयर खाली वाले तो हम आप रेस्ट करते हैं ठीक है तो देखो ये अपने वेटिंग रूम देखो कबूतर भी उड़ रहे हैं देखा कबूतर भी है पूरे कॉफ़ी वगैरह तुम्हें बैठे ट्राई करते आप कॉफ़ी लैके एक कोल्ड कॉफ़ी तो एक कैपचीनो लैके तो फिर आप पीने तो इधर देखो सूट टी सूट गाइस अपनी कॉफ़ी भी आ गई कोस्टा की वेटिंग रूम एक कप सू 500 रुपये पिया लो दसो कि दिल भी साढ़ा मिट गया दिल भी मिट गया तो हम इंजॉय करते हैं वेटिंग रूम के बह के कॉफ़ी तो हजे भी टाइम एक घंटा पूरा पिया हजे जा दुआ ना तो बाकी दे दें होनी सो गाइस बस काउंटर खुलने वाला है देखो अगे आ गया स्टाफ आ गया काउंटर से बस उस 5-10 मिनट तक फिर अपने जहाज वाल तैयारी हो जानी है सो गाइस फ्लाइट की एंट्री स्टार्ट हो गई है तो सीट नंबर अनाउंस कर रहे हैं कि इन्नी तो इन्नी सीट नंबर वाले पहले फस्ट आने तो अपनी स्टार्टिंग दे सीट 4 है तो आप पायलट के पिछे बह के जाएंगे तो बस हम वेट कर रहे हैं बस पहले 10-20 की फ्लाइट है तो हजे इन्ना टाइम ला रहे हैं 10:15 हो गए चलो हम वेट करते हैं देखो एंट्री हो रही है इस एंट्री हो गई है अपना खड़ा जहाज फ्लाइट अपनी गो फर्स्ट हम आप जा रहे हैं अंदर अंदर जाके चलो फ्लाइट का सो गाइस आप हम जा रहे हैं फ्लाइट अंदर तो देखो कनेक्टिंग ही है पता नहीं लगना कदों आप अंदर बैठ गए जा रहे कनेक्टिंग कनेक्टिंग ही है देखो फ्लाइट सीधा विंडो अपने ताकि कनेक्ट है लो अंदर जी चार ताकि कनेक्ट वीडियो का अंदर जा रहे तो अपनी 4 सीट बैठ गया विंडो सीट से बाहर का व्यू शीशे भी चिंटा वाले हुए पे चिंटा बजी हुई अच्छा बंद होना बैठ गया 150 सीट्स वाला है एयर इंडिया खड़ा है एयर इंडिया का ठीक है वो देखो ये ज़्यादा सीटा वाला लगता है एयर इंडिया का